हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर अपने पॉट्स में ही किस तरह से जिंजर को बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। आप छोटा सा एक पीस लेकर अपने घर पर एक ये जो जिंजर का पीस है, इससे ही जिंजर के कई पौधे आप बना सकते हैं। ये सेम जिंजर का एक पीस है, जहाँ से आप देखें ये बड निकली हुई है, फ्रेश बड है। एक इसमें दो और ये तीन बड हैं, तो ये तीन तरह से निकल जाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किन सावधानियों को आपको ध्यान रखते हुए जिंजर को ग्रो करना है, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनकी जिंजर पॉट में या कहीं भी उनके गार्डन में ग्रो नहीं हो रही है। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें लोग करते हैं और उनकी जिंजर ग्रो नहीं हो पाती है। तो कुछ सावधानियाँ मैं बताऊँगी, उन्हें आपको ध्यान रखते हुए जिंजर को ग्रो करना है। तो पहले हम देख लेते हैं जो मैंने अपने पॉट में जिंजर ग्रो कराई हुई है। पहले मैं आपको एक व्यू से दिखा देती हूँ कि मैंने जिंजर ग्रो की हुई है। वैसे तो मैंने कई अपने पॉट्स में कई जिंजर ग्रो की हुई थी, बट वो मैंने घर भेज दी है। ये देखिए, मैं पास से दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये जिंजर ही है। इसमें थोड़ा सा इसका सॉइल साइड कर देती हूँ। ये देखिए, ये जिंजर ही है। ये देखिए, आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा हेल्दी जिंजर है। देखिए इस तरह से, देखिए आप लेंथ वाइज देखिए, पूरा अच्छा ग्रो कर रहा है और इसको एक महीना भी नहीं हुआ है अभी तो। एक फीट अराउंड है ये, अभी कैमरा शायद से कैच नहीं कर पा रहा, पर 1 फीट का है ये जिंजर। तो 1 मंथ से भी कम का टाइम हुआ है इसको। तो मैंने कम से कम 10-12 पीस लगाए थे, उसमें से 3-4 मेरे जो मैंने काट लिए हैं, तो बाकी जो थे वो मैंने घर भेज दिए। सॉइल में नीचे अच्छे, जितनी ज़्यादा गहरी होगी मिट्टी उतना ज़्यादा वो फैलेगा और उतनी ज़्यादा अदरक उसके अंदर बनेगी। तो मैंने सिर्फ 2 ही अपने पास रखी थी। तो ये देखिए, एक और थी यहाँ पर। ये देखिए, ये भी जिंजर ही है, पर इसका जो बड यहाँ निकला था, इधर की साइड निकला था, तो वो चूहे ने काट लिया था। तो होपफुली इसको एक महीना हो जाएगा, तो ये अभी इसका कोई बड नहीं निकला है और दूसरा कोई नहीं निकला है, तो होपफुली इसका निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा पॉइंट था जिसमें कि रूट निकलेगी। तो वो चूहे ने निकला था छोटा सा, वो काट लिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको जिंजर को ग्रो करना है। तो ये देखिए, ये जिंजर के जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो रूटिंग बर्ड्स जिन्हें कह सकते हैं आप, ये छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इनसे ही आपकी, देखिए यहाँ पर 1, 2 और इसमें 3 थी, एक ही मैंने काट ली है। यहाँ से आपकी जो होती है, ये जो टिप होती है, यहाँ से इसकी इस तरह की जो रूटिंग निकली हुई है, इस तरह से निकल जाती है और ये आराम से ग्रो करने लगती है और आपके 4 से 5 महीने में आराम से जिंजर बैठ जाती है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने पॉट में निकाली थी तो इतनी सारी जिंजर मुझे मिली थी। पॉट में कम निकलती है जिंजर, उसको जितना फैलने की जगह मिलेगी उतनी ज़्यादा बैठती है जिंजर। तो अभी बारी आती है कि हम किन मिस्टेक्स को करते हैं जिंजर को ग्रो करने के लिए। ये जो जिंजर मैंने ली है, इसको कच्ची अदरक बोलते हैं। बेसिकली इसका रिजल्ट जो होता है वो 100% नहीं होता है ग्रो करने के लिए। कई बार ग्रो भी हो जाती है, कई बार नहीं होती है, या आप 8 से 10 पीस लगा रहे हैं कटिंग के, उसमें से आपका 1 या 2 ही पीस ग्रो हो पाएगा। कई बार होता है कि नहीं भी हो पाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है अदरक के अंदर अपना ही। तो कई लोग होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो एक दूसरा कारण ये भी होता है, पहला कि ये कच्ची अदरक का 100% रिजल्ट नहीं होता, दूसरा इसमें ओवर वाटरिंग लोग कर देते हैं। जिंजर के अंदर अपना पानी होता है, तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारी तीसरी है इम्पॉर्टेंट बात, जो छिलके वाली अदरक होती है, पकी अदरक जिसे बोलते हैं, गर्मी में मोस्टली जो आती है, मार्च अप्रैल तक अच्छे से आराम से आती है, मई में भी आती है, तो वो अदरक आराम से कभी भी आप उसको ग्रो कर दो तो वो आराम से ग्रो हो जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से ग्रो करना। ये देखिए, ये जो होती है, ये पकी हुई अदरक होती है। देखिए छिलका इसका मोटा है इस तरह से, ये भी वही है, छिलके मोटे छिलके वाली अदरक है। तो दुकान पर आप जाएँगे, शॉप पर, जिससे भी आप बोलते हैं सब्जी वाले भैया को, उसे बोलेंगे कि पकी हुई, अब तो खैर मिलनी मुश्किल है इससे दिनें, बरसात के मौसम में मिलनी मुश्किल होती है अदरक, पर मार्च अप्रैल मई तक आराम से मिल जाती है। आप जब मर्जी चाहे इसको ग्रो कर सकते हैं और पानी कम दीजिए इसको। तो अभी मैं इसको इसी में ही
एक बार लगा लेती हूँ यहीं पर, मैं छोटा सा एक होल कर लेती हूँ, ये देखिए। और आपको इसको ज़्यादा गहरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देखिए मैंने ऊपर से टिप छोड़ा हुआ था, इसका जो टिप होता है, इसका जो ये टिप होता है, इसको आप ऊपर की साइड ही छोड़ दें, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे इस तरह से, आप इसको लगा दें, ये जो इसका बड जो है इसको थोड़ा सा बाहर ही रहने दें, थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी रहने, मिट्टी लगा दें, ताकि ऐसा हो जैसे मैं बता रही थी आपको कि चूहा बाइट मार लेता है इसको कई बार, तो उसको चूहा बाइट ना मारे। और देखिए मिट्टी गमले में काफ़ी वेट है, तो इसे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 दिन के बाद इसे पानी डालें, और हो सके तो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तभी इसको आप पानी दें, पानी कम दें। और ये जो सूखी अदरक होती है इसके 100% चांसेस होते हैं ग्रो होने के, तो आप जब भी ग्रो करें तो सूखी अदरक को ग्रो करें और पानी कम से कम दें। कच्चे अदरक के अंदर जो मैंने बताया इसके अंदर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। और ये देखिए इसके अंदर मैंने बताया कि 3 बड निकले, एक मैंने लगा दिए, एक ये, एक ये और एक इधर से भी, लेकिन जो ये बड जो इसका काला हो चुका है, जल चुका है, ये आपका इससे रूट्स नहीं निकलेगी। तो आप ध्यान दें कि जो वो बड निकला हुआ था, ये देखिए इसके अंदर फ्रेश है ये बड, तो ये आराम से निकल जाएगा आपका। जैसे ये देखिए ये नेक्स्ट है, ये वाला इसका पॉसिबल नहीं है कि आराम से निकले, पर ये वाला जिंजर अगर आप ग्रो करेंगे तो ये आपका आराम से निकलेगा, इसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। पॉसिबिलिटी रहे कि आपका ये जो बड हो ये फ्रेश हो और जिंजर पकी हुई हो और इसके अंदर पानी आप कम से कम दें, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंजर भी इस तरह से बिल्कुल हेल्दी रहेगी और ग्रो करेगी। और जब जिंजर के जो पत्ते जो होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं 5 से 6 महीने के बाद, हाइट इसकी इतनी ही रहती है 1.5 फुट की, 2 फुट की, ज़्यादा नहीं जाती है। लास्ट ईयर भी मैंने ग्रो की थी तो 2 से 2.5 फुट की इसकी हाइट जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो जब इसके पत्ते सूखने लगते, पीले पड़ने लगते हैं, तो इसका मतलब आप इसको 5 से 6 महीने के अंदर खोद के अपनी अदरक को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।